अगस्त से नवंबर के आसपास अर्थात आश्विन से माघ मास के बीच आने वाला फल शरीफा एक ऐसा फल है जिस पर किसी रोग का संक्रमण नहीं हो पाता है। इसे हम सीताफल के नाम से भी जानते हैं। इस फल के बारे में ये माना जाता है कि वन में माता सीता अपनी भूख मिटाने के लिए इस फल का सेवन करती थी, जिसके बाद इस फल को सीताफल के नाम से जाना जाने लगा। दूर से अमरूद की तरह दिखने वाला सीताफल एक गोलाकार फल होता है। स्वाद में मीठा सीताफल को आम और केले की तरह कृत्रिम रूप से पकाया भी जाता है। ये बाहर से सख्त और अंदर से नरम और चबाने वाला होता है। इसका गूदा सफेद रंग का और मलाईदार होता है। वीर्यवर्धक, रक्तवर्धक, शक्तिवर्धक सीताफल हृदय रोग लिए लाभकारी है। पौष्टिकता से भरपूर सीताफल में विटामिन सी, B1 और B2 पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये पित्त से संबंधित सभी रोगों को दूर करता है तथा शरीर में रक्त और मांस की वृद्धि करता है। सीताफल के फायदे। 1. जख्म, फोड़े, फुंसियों के पकने पर सीताफल के वृक्ष की छाल को घिसकर लगाने से जीवाणुओं के संक्रमण की आशंका दूर होती है। 2. सीताफल के पत्ते पीसकर फोड़े फुंसियों पर बांधने से वे जल्दी पककर फूट जाती है। 3. सीताफल के वृक्ष की जड़ को छाया में सुखाकर कूट पीसकर चूर्ण बनाकर रखें। इस चूर्ण को उन्माद रोगी को खिलाने से अतिसार के साथ उन्माद विकृति का निष्कासन होता है। 4. सीताफल के पत्तों को पीसकर सेंधा नमक मिलाकर फोड़े पीप वाली जगह पर लगाने से जीवाणु नष्ट होते हैं। 5. सीताफल के बीजों को बकरी के दूध के साथ पीसकर सिर पर लेप लगाने से गंजापन की समस्या दूर होती है और बाल तेजी से विकसित होते हैं। 6. सीताफल के सेवन से शुगर संतुलित रहता है। सीताफल में शरीर में होने वाले शुगर को सोख लेने के गुण होते हैं। 7. सीताफल एक ऐसा फल है जिसके सेवन से बालों को अधिक पौष्टिकता मिलती है, जिसके कारण बाल अधिक समय तक काले बने रहते हैं। 8. सीताफल के नियमित सेवन करने से रक्त पित्त और वायु से उत्पन्न विकार दूर होते हैं। 9. विटामिन सी से भरपूर सीताफल आंखों की देखने की क्षमता को बढ़ाता है। 10. शरीर की बेचैनी को दूर करने के लिए सीताफल के शरबत का सेवन करना चाहिए। 11. गठिया रोग में सीताफल खाने से अधिक लाभ होता है। 12. सीताफल दस्त और प्रवाहिका में बहुत लाभ पहुँचाते हैं। 13. सीताफल न केवल दांतों को स्वस्थ रखता है बल्कि खून की कमी को भी दूर करता है। 14. सीताफल खाने से पेट के कीड़े जल्दी से नष्ट होते हैं। 15. सीताफल के सेवन से पित्त विकार भी नष्ट होते हैं। 16. सीताफल को रात में खुले स्थान पर रख दें। रात भर उसमें भीगने के बाद सीताफल को काटकर खाने से शरीर की गर्मी कम होती है। 17. कब्ज होने पर सीताफल के जड़ का चूर्ण बनाकर खाएं, लाभ मिलता है। 18. उन्माद रोग में सीताफल के जड़ को सुखाकर बनाया चूर्ण पानी के साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है। 19. शारीरिक रूप से निर्बल स्त्रियां यदि नियमित रूप से सीताफल खाती हैं तो शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ शरीर की दुर्बलता भी खत्म होती है। 20. सीताफल के जड़ को घिस कर पानी में मिलाकर पीने से पेशाब अवरोध की समस्या दूर होती है।